सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों ना ऐसे लोगों के राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने और अपनी पार्टी बनाने पर रोक लगा दी जाए जो अदालत में दोषी साबित हो चुके हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। पॉलिटिकल पार्टीज ना केवल चुनाव लड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो चुनाव भी नहीं लड़ती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के हैसियत से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे उनकी जितनी इनकम होती है वो सारा टैक्स फ्री होता है, उन्हें सरकार की तरफ से कंसेशंस मिलते हैं ज़मीन पे, ऑफिस पे। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सवाल पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये पावर मिलनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वो डी रिकग्नाइज कर सके या नहीं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ही रिकग्नाइज करती है पॉलिटिकल पार्टी को, उसे वो वजूद देती है, उसके बाद उसे ये सारे बेनिफिट्स या फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है पार्टी को डी रिकग्नाइज नहीं कर सकती कानून के तहत। तो याचिकाकर्ता ने ये मांग रखी है कि इलेक्शन कमीशन को ये ताकत मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए यही पूछा है कि, और केंद्र को भी नोटिस जारी करते पूछा है कि क्या ये पावर मिलनी चाहिए या नहीं। चार हफ्ते के बाद इस मामले में फिर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने एक और अपनी याचिका में ये भी पूछा है कि 1500 से ज़्यादा ऐसे राजनेता हैं जिनके खिलाफ काफ़ी गंभीर क्रिमिनल केसेस हैं, और इन्हें जब डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो इन्हें परमानेंटली लाइफ बैन क्यों नहीं होता इन पे, ये उनकी दूसरी याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली याचिका पे नोटिस जारी किया है, और ये सारे मामले जो हैं अब करीबन चार हफ्ते के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।